मुस्लिम अव्वल शह मर्दान अली इश्क सरमाया ईमान अली लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधरी दा सेवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नए वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में जी हाजिर हैं। तो आज जी प्लान कर रहे हैं कराची टू हैदराबाद जाने का, तो आपको हैदराबाद दिखाते हैं जी। और हैदराबाद जाने का जी हमारा जो मकसद है वो है जी कदमगाह मौला कायनात मौला अली अलैहि सलाम के जो कदम के निशान हैं वो उसकी ज्यारत के लिए हम जा रहे हैं जी हैदराबाद। तो हमारे साथ रहिएगा जी, आपको दिखाते हैं जी अपना हैदराबाद का सफ़र। तो दोस्तों जी जाने से पहले कुछ नाश्ते का सीन करते हैं, तो उसके बाद जी आपको अपना सफ़र दिखाते हैं। तो दोस्तों जी इस वक्त पहुंच चुका हूं मैं हैदर चौक पे। तो अपनी डेस्टिनेशन पे जी हम पहुंच चुके हैं और ये रहा जी बाब हैदर, वो कदमगाह मौला के पास ही जी खड़े हैं। तो चलते हैं जी आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं जी कदमगाह के। जानम फिदाए हैदरी। तो नाजरीन जो है ये है वो मकाम, वो कदमगाह, वो निशानात। तो ये आप सामने जो देख सकते हैं ये फिरोज़ा, तो ये वो जगह जाके जहाँ जो है मौला अली अलैहि सलाम के पेशानी के निशान थे, और ये मौला के दस्त मुबारक के निशान नमाज की हालत में, ये अगर मैं आपको सही तरह दिखा सकूं। और ये अगर आप देखेंगे तो मौला के जो है ये पाँव के अंगूठे के निशान जी जी कदम मुबारक मौला के हैं। और ये जो है हम जेंट्स पोर्शन से जो है आपको दिखा रहे हैं, बाकी आधा हिस्सा जो है वो उस तरफ जो है लेडीज़ पोर्शन की वजह से जो है उन्होंने रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ज़रा कदमगाह मौला अली अलैहि सलाम हैदराबाद के हिस्ट्री के हवाले से मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि 1804 1804 को जो सिंध के हुक्मरान थे ग़ुलाम अली शाह साहब, उन्होंने अपना एक सफ़ीर बना के सैयद सादिक हुसैन शाह साहब जो करबलाई थे उनको अपना सफ़ीर बना के, और जो सिस्टम चलता था हुक्मरानों का या बादशाहों का, तो उन्होंने अपने सफ़ीर सैयद सादिक हुसैन शाह के हाथ में कुछ तोहफे तवायफ जो उस दौर के मुनासबत से थे उन्होंने दे के उनको जो है शाह ईरान मीर फ़तेह अली शाह उनका नाम था ईरान के बादशाह, तो उनको जो है कुछ तोहफे तवायफ भिजवाएँ सिंध की तरफ से। और सैयद सादिक हुसैन शाह जो करबलाई थे तो वो जो है सिंध की तरफ से सफ़ीर बनकर ईरान गए और अपने सिफारती जो अमूर थे वो अंजाम देते हुए, तो जब वो वापस आ रहे थे सिंध तो ईरान के बादशाह की तरफ से जो है ये निशानात हुकूमत सिंध को तोहफे में दिया गया। फिर इन निशानात को जो है ईरान से सिंध लाया गया 1804 को, और 1804 से ले कर 1841 तक, तो ये निशाना जो इस वक्त जो हम मौजूद हैं हैदराबाद में, तो ये एरिया जो है बेसिकली उस ज़माने में इस एरिया का नाम था पक्का किला। तो जो ये पीछे भी अभी आप अगर गूगल मैप सर्च करेंगे तो आपको ये लोकेशन पक्का किले के नाम से आएगा। तो 1804 से ले कर 1841 तक इसे जो है पक्का किले के एक शाही महल में लाया गया, और शाही महल में भी जो है वो एक शाही मस्जिद था,
और शाही मस्जिद के पास ही जो है एक ऐसा कदमगाह बनाया गया, और उस वक्त जो है तब इस निशानात और इस कदमगाह की ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ ये शाही ख़ानदान के लिए था, और साल में जो है सिर्फ एक दिन जश्न नौरोज़ के दिन जो है ये फिर हर आम व ख़ास के लिए ये कदमगाह खोला जाता था ताकि वो आके ज़्यारत कर सकें। तो बाद में जो है ये 1845 को जब अंग्रेज़ आए और तालपुर हुकूमत जो है ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो है उसे जो है पक्का किले से ये हैदर स्ट्रीट में, जो कि मुझे पता नहीं था उसका क्या नाम था इस जगह का, तो यहाँ पे जो है इसे शिफ्ट किया गया है। तो ये थी उसकी एक हिस्ट्री। इस वक्त मैं आप तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए भी दुआ करूंगा कि मौला आप सब की जो है दिली हाजा जो है कबूल फरमाएँ। अगर आप सब की कोई परेशानी है तो उसे अपने हबीब के सदक़े और आले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े जो है वो दूर फरमाएँ, और आप सब की ज़िंदगी में हमेशा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन, और आप सबको जो है इंशाल्लाह मज़ीद कामयाबी से कामयाबी दें। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली। तो नाज़रीन बड़ी खुशी हुई और एक अजीब सा सुकून मिला कदमगाह की ज़्यारत करते करके, तो साथ ही में ख़ुद को बड़े खुशनसीब समझते हैं कि हम जैसे गुनाहगार बंदों को भी मौला ने अपने कदमगाह के ज़्यारत का शर्फ बख्शा। तो नाज़रीन आपको जो है कदमगाह की ज़्यारत कराई, अभी चलते हैं जी अल्लाह में हज़रत अबुलफ़ज़ल अब्बास गाज़ी अब्बास के आलम की तरफ, तो आपको उधर के भी नज़र दिखाते हैं। दोस्तों कदमगाह मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमगाह की ज़्यारत कर लिया है हम लोगों ने, और अभी जो है यहाँ से 15 मिनट दूर रास्ते पे जो है हमारे मुर्शिद सैयद हसन की भी ज़्यारत है, तो अभी उसी तरफ चलते हैं उनकी ज़्यारत के लिए। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या। तो दोस्तों सैयद अहमद आगा के मज़ार की ज़्यारत करने के बाद तो आप पीछे देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री दिखाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस फैक्ट्री में जब भी कोई काम शुरू होता है या जब भी कोई मशीन स्टार्ट होता है तो वो खुद ब खुद जो है वो बंद हो जाते हैं और यहाँ पे जो है मशीन वगैरह काम नहीं करते। और ये वाकया जो है इस फैक्ट्री में बहुत दफ़ा ही जो है ये रुनुमा हो चुके हैं, तो जिसके बाद जो है इस फैक्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश भी की मगर ये नाकाम रहे। दोस्तों हैदराबाद में कदमगाह हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की भी ज़्यारत कर ली, और साथ ही सब मौजूद है जी सैयद मोहम्मद आगा के मज़ार पे, उनके मज़ार की भी ज़्यारत कर ली। तो अभी टाइम हो गया है जी चलने का, तो वापस चलते हैं जी कराची की तरफ। तो उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जी। मिलते हैं जी अगले व्लॉग तक, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और तासुब से दूर रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर। जानम फिदाए है।
या अली अली अली।